आई लाइक टू मेक फोर पॉइंट्स. सबसे पहले है कि हमारे नंबर्स बड़े दिख रहे हैं और अभी भी स्टेबलाइज नहीं हुए हैं. उसके चलते हुए हमें दो तीन चीज़ें आगे साफ हो रही हैं. पहली बात तो ये है कि ऐसा नंबर इसलिए भी हो रहा है कि हम टेस्टिंग बड़ी लिबरल तरीके से कर रहे हैं. जहाँ भी सस्पिशन है अब टेस्ट किया जा रहा है. टेस्ट की स्पीड और भी बढ़ाई जाएगी, बड़ी भी हुई है बहुत. तो जब इतना बड़ा नेट वाइड कर रहे हैं, केसेस आएंगे, और ये भी मालूम है कि हम इतने ससेप्टेबल हैं अभी भी प्रोपोर्शन हमारी पॉपुलेशन की, कि वायरस हमें पकड़ेगा और वायरस हमारे ऊपर प्रभाव कर सकता है. तो पैंडेमिक चली हुई है और पैंडेमिक चलती है जब, तो फिर इस तरह के एक स्टेज आ रही होती है जहाँ पे कि ये नंबर ऐसे दिखते हैं. लेकिन जैसे मैंने कहा, एक उसका वजह ये भी है कि बहुत अच्छी तरह से एक नियर ऑप्टिमम हम टेस्टिंग के रेट पे पहुँचे हैं. और इसमें इसके आने से जो हमें बाकी फ़ायदे हुए हैं, मोर्टैलिटी रेट कम हुई है इन पर्टिकुलर, वो हमें एक रीअश्योर करता है. तो ये भी नहीं भूलना चाहिए कि हमारा रिकवरी रेट अच्छा है, हमारा फिटेलिटी रेट दुनिया में सबसे अच्छे लोएस्ट की रेंज में आता है. तो ये तसल्ली की भी बात है. लेकिन यस, नंबर बढ़ रहा है और उसको हमें अपने आप को बचाने के लिए जो करना चाहिए उसके ऊपर मैं अभी वापस आता हूँ. लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा उससे पहले कि हमें एक ऐसे व्यवस्था बनानी चाहिए, ऐसा माहौल बनाना चाहिए कि टेस्टिंग से डरना नहीं. हमें ये भी खबर आती है, पता चलता है कि अगर आपको सिम्टम है, खांसी है, बुखार है, तो अवॉइड भी किया जा रहा है. अब तो इतनी टेस्टिंग है कि टेस्टिंग सरकारी सिस्टम में और प्राइवेट में भी किसी हद तक रेडीली अवेलेबल है. लेकिन कहीं कहीं जब ये सुनने में आता है कि तकलीफ़ है लेकिन मैं टेस्ट नहीं कराऊंगा, ये अच्छी चीज़ नहीं है. क्योंकि टेस्टिंग को अपने सिम्टम होने के बावजूद हम अगर नहीं कराएंगे, ये आपके लिए डेंजरस है और सिस्टम के लिए भी डेंजरस है. क्योंकि अगर आपको पता ही नहीं कि आप पॉजिटिव हो और पॉजिटिव हैं आप, तो आप अपने परिवार के लिए भी मुश्किलात कर सकते हो, समाज के लिए भी कर सकते हो जिनको मिल रहे हो. तो हमारे दोनों तरफ से हमें बहुत नुकसान होता है. ये नुकसान होता है कि अपने को रिस्क पे डाल रहे हैं, फिर सीवियर प्रॉब्लम होगी तब हम भागेंगे, तो एक तो वो मौका हम खो रहे हैं और दूसरा ये है कि हमारी वजह से परिवार को, आसपास वाले को, क्योंकि वायरस तो फिजिकली एक से दूसरे को मूव करता है. जिनको हम और आप मिलते हैं वो अपने ही हैं, अपने ही दायरे के हैं, और तो उनको नुकसान होना, समाज को नुकसान होना, ये गलत है. तो एक भावना ये होनी चाहिए कि अगर सिम्टम है टेस्ट कराइए, और टेस्ट होगा उसके बाद में जैसा भी नतीजा आएगा उसको फेस करेंगे. और जो केस फेटेलिटी रेट हमें दिखाई देता है, अच्छी व्यवस्थाएँ धीरे धीरे बन गई हैं अब, तो उससे हमें डरना नहीं चाहिए. वायरस से डरना चाहिए लेकिन टेस्टिंग से डरना नहीं चाहिए. ये एक इम्पॉर्टेंट बात है, क्योंकि अगली लड़ाई में हमें इसको और भी हम इंटेंसिफाई कर सकते हैं. जब कम टेस्टिंग की व्यवस्था थी, हमारे रिसोर्सेज नहीं थे, हम इम्पोर्ट कर रहे थे, तब एक और बात थी. लेकिन अब हमें इस तरह से नहीं करना चाहिए. टेस्टिंग को प्रोग्रेसिवली ऑन करना चाहिए. जब ज़रूरत है मदद मांगिए और टेस्ट होगा. ये अब तो ऑन डिमांड टेस्ट हो रहा है, आपको अब डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन की भी ज़रूरत नहीं है. जब हम उस माहौल में पहुंचे हैं तो हमें, हम सबको इस बात के लिए, पूरे समाज को हमें जुड़ना चाहिए. अब अगर ये नंबर बढ़ रहा है, तो दूसरे पॉइंट पे आ रहा हूँ, अब ये नंबर बढ़ रहा है, शायद स्टेबलाइज होना शुरू होगा. क्लोजली देखें तो साइन मिलते हैं कि शायद स्टेबलाइजेशन की तरफ हम बढ़ सकते हैं अब. लेकिन उसकी जड़ जो है वो वायरस मेरे से दूसरे को जा रहा है. तो अब जैसे जैसे व्यवस्था खुली है, इकोनॉमिक एक्टिविटी हुई है, आवाजाही बढ़ी है, उसके साथ में वायरस को एक से दूसरे के पास जाने के लिए सहूलियत हुई है. और उस सहूलियत में हमारी जो लापरवाही हो सकती है वो उसमें वायरस का साथ देती है, हमारा अपना साथ नहीं देती. तो ये जो एक माहौल बनता जा रहा है कि हम लैक्स हो रहे हैं, चाहे मास्क की बात है, दो गज की दूरी की बात है, लार्ज गैदरिंग की बात है, ये एक अच्छी चीज़ बिल्कुल नहीं है. ये हम बार बार दोहराना चाहेंगे, हर मीटिंग में, हर पॉइंट पे हम कहना चाहेंगे कि सेल्फ डिसिप्लिन, जिसकी वजह से अभी तक
सबके मुकाबले में काफ़ी हद तक हम बहुत अच्छे रहे हैं, अपने देश ने करके दिखाया है। लेकिन जब ये रिलैक्सेशन हो रही हैं, एक्टिविटीज़ हो रही हैं, हम अपना डिसिप्लिन तोड़ते हैं, तो वो अपने लिए भी ख़राब है, समाज के लिए भी ख़राब है, देश के लिए भी ख़राब है। तो हाथ जोड़ के विनती है कि जो मास्क पहने 100% पहनना है हमने, बात करते हुए सामने बात हो रही है तो तब भी पहन के रखना है। 2 गज की दूरी का संदेश प्रधानमंत्री जी ने दिया था, उसको अपनाना है। लार्ज ग्रुप्स में हमें नहीं जाना है, सुपर स्प्रेडिंग इवेंट्स होते हैं, एक्टिविटी है, मिलेंगे भी, लेकिन फिर भी प्रिकॉशन करिएगा प्लीज़। इसी तरह से जो आयुर्वेदा के जो प्रिंसिपल्स को अपनाने की बात कही थी प्रधानमंत्री जी ने, उसको अपनाइए ताकि आप उसमें सशक्त रहें, अपनी आपकी इम्यूनिटी अच्छी रहे। योग से अपनी इम्यूनिटी आपकी अच्छी रहती है। और इसी प्रकार से थूकना नहीं है, सोशल डिस्टेंसिंग को बनाना है। ये मैसेजेस अभी भी उतने ही रेलेवेंट हैं जो पहले थे, और मैं कहूँगा कि शायद और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होंगे, क्योंकि अब जो नंबर से हम बढ़ते हैं, उस टाइम पे 5,000 का 10 होता था, अब सोचिए 80,000 का क्या बनेगा वो। तो इसकी जड़ जो है वायरस को एक से दूसरे पे ना पहुँचने देने की है, जो कि पहली हमारी जिम्मेवारी है। उसके बाद सिस्टम की जिम्मेवारी है कि वायरस को एक दूसरे तक ना पहुंचने के लिए जो कंटेनमेंट की जाती है, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की जाती है, कंटेनमेंट जोन्स बनाए जाते हैं, सर्वेलेंस किया जाता है, वो व्यवस्था भी उसके ऊपर फिर आगे मदद करती है। लेकिन अगर हम प्राइमरी प्रिवेंशन करें और वो सफल होती है, आप सबने देखा है कि लॉकडाउन के बाद जब एक माहौल बदला तो हम पुराने माहौल पर वापस नहीं गए, हम उससे मच बेटर सिचुएशन में गए। हमारी स्पीड स्लो हो चुकी थी, और वो इसलिए स्लो थी कि हमने अपना बिहेवियर बदला था। तो एक आम कंप्लेंट मिल रही है हमें सरकारों से कि जनता थोड़ा लैक्स हो गई है। तो हमारी आपसे विनती है और आपके थ्रू देशवासियों से विनती है कि 2 गज की दूरी, मास्क का अपनाना 100%, और बड़ी गैदरिंग को अवॉइड करना, थूकना नहीं है, हाथ को धोना है, हाथ को हाइजीन रखना है, और अपने लिए आयुर्वेदा पोषण को जो चीज़ें बताई गई हैं उनसे लेके अपनी इम्यूनिटी को, अपने को ताकतवर रखना है। तो इनकी ये दिस स्टिल रिमेन्स द की टू पैंडेमिक स्लोइंग एंड पैंडेमिक कंट्रोल, एंड वी कैन नॉट एम्फेसाइज दिस मोर। और मैं चाहूँगा कि यही चीज़ हमारी स्टेट गवर्नमेंट्स भी और भी तेज़ी से अपनाएँ, NGOs भी अपनाएँ, और मीडिया आपकी तो सबसे ज़्यादा भागीदारी है, और मुझे ज़रूर यह लगता है कि आप इसमें अपने एफर्ट में भी बढ़ोतरी कर सकते हो। आप अपनी वॉलंटरली इसको प्लीज़ आगे भी बढ़ाइए, इस मैसेज को ज़्यादा स्प्रेड करिए, जिस तरह से भी मीडिया इन्फ्लुएंस कर सकता है प्लीज़ इसको आप करिएगा। क्योंकि ये भी लेके चलिएगा कि जिन नंबर के साथ अब हम चले हुए हैं उसमें लापरवाही और अगर होती है तो ये डैमेज होगा। तो इस दशा से हम बच जाएंगे और वैक्सीन की तरफ आएंगे, अपने आप ही पैंडेमिक कंट्रोल में आएगी, तो हम अभी तक ठीक रहे हैं या आगे भी ठीक रहे हैं। तो इस पॉइंट को मैं बहुत ज़ोर से कहना चाह रहा था, इसलिए थोड़ा वक्त भी लिया है। चौथा पॉइंट ये है कि जो सेक्रेटरी सर ने बड़े तरीके से समझाया कि हमारी जो केस फर्टेलिटी रेट नीचे आई और ऐसी स्टेट्स हैं जो एवरेज से भी बेटर कर रही हैं, तो एक तरह से हम उस तरफ अग्रसर हो रहे हैं कि केस फर्टेलिटी रेट को 1% से नीचे लाना हमें दिखाई दे रहा कि संभव है, और शायद उससे भी अच्छा करेंगे, 0.5 भी हो सकती है, इसी तरह से लगे रहे। तो जैसे जैसे ये बीमारी के बारे में हमें समझ आया, वैसे वैसे ही हमने अपने ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स को ठीक किया। ये सारे वर्ल्ड में हुआ, लेकिन हमने इसको बहुत ही स्ट्रक्चर्ड तरीके से करा है, और वो दिखाई देता है कैसे इम्प्रूवमेंट होती गई है। जो हमारा नेशनल प्रोटोकॉल है, हमें विनती करूँगा सब फिजिशियन कम्युनिटी से, अस्पतालों से, डॉक्टर से, कि जो नेशनल प्रोटोकॉल में चिन्हित चीज़ें हैं, ऑक्सीजन पे एम्फेसिस है, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन माइल्ड डिजीज़ में एम्फेसिस है, हेपरिन का है ताकि एंटीकोगुलेशन का स्टेट रहे, डेक्सामेथासोन स्टीरॉयड है जो कि थोड़ी और स्टेज के बाद हम लोग देते हैं, इसी मेन स्टेज से ये सब कुछ अचीव हुआ है। कभी कभी वो एक्सपेरिमेंटल थेरेपी की बात आती है, होपफुली वो थोड़ा मदद करती हैं, रेमडेसिविर भी है, बाकी वो चीज़ें जो प्लाज्मा वगैरह है उसके बारे में भी सीख रहे हैं कहाँ तक आता है। कहने का मतलब ये है ये रॉकेट साइंस नहीं रही है। पहले हम बहुत डरते थे इस ट्रीटमेंट करते हुए,
अब अभी ये भी समझ आ गया कि वेंटिलेशन करने की ज़रूरत वेंटिलेटर लगने की बहुत कम मात्रा में होती है, उसको भी नॉन इन्वेसिव करने से ही रिजल्ट आ जाते हैं। तो भगवान की दया से बहुत सूझबूझ आ चुकी है इस ट्रीटमेंट में। तो मेरी अपील ये होगी कि हम सब उसी प्रोटोकॉल को फॉलो करें, कॉन्फिडेंस से फॉलो करें, और जब मदद की ज़रूरत हो, जो सिस्टम बनाया गया है मदद का, स्टेट गवर्नमेंट से बनाया गया है एक्सपर्ट से पूछने के लिए, एम्स में 24/7 एक रिसोर्स सेंटर है, उस मदद को लेते हुए अच्छे तरीके से ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल को फॉलो करें, तो हमें और भी आगे आगे सुधार होगा, आगे अच्छाई आएगी। इसमें एक मुद्दा और जुड़ता है, जब हम देख रहे हैं कि इन्फेक्शन शहरों से, बड़े शहरों से छोटे, और छोटे शहरों से जो अर्बन एरिया के आसपास के गाँव में आने की अब टेंडेंसी हो रही है वायरस की, जो उसकी आदत है, उसमें हमें एक और बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि क्योंकि सिटी सेंटर से या ज़िले के सेंटर से दूरी बढ़ जाएगी थोड़ी सी, तो हमें इस मामले में और भी चुकन्ना रहना पड़ेगा कि जिस व्यक्ति में सिम्टम्स हैं वो उसका परिवार जल्दी एक्शन ले, सिम्टम है तो जल्दी टेस्ट कराए, क्योंकि दूरी थोड़ी बढ़ जाती है, एम्बुलेंस अरेंज करनी है, जो हेल्थ सिस्टम की रिस्पॉन्स करने के लिए एक थोड़ा सा और रूरल हमारे कम्युनिटी भाई बहन जो हैं उनको जोड़ने के लिए, एक तरफ कंट्रोल की बात आती है, दूसरी तरफ एफिशिएंसी की बात आती है, तीसरी तरफ ये बात है कि केयर सीकिंग जो है वो हमें और भी अलर्ट होके करनी है, और एक दूसरे के लिए ये मैसेज देना है कि देर नहीं होनी चाहिए, देर नहीं होगी सर्वाइवल बहुत बहुत अच्छा है, देर होगी तो किसी भी उम्र के व्यक्ति को मुश्किल हो सकती है। ये चार पॉइंट मैं आपके सामने समक्ष करना चाहता था, धन्यवाद। Download Tarang Online Radio app from Google Play Store. You are listening to Tarang Devotional Online Radio.